राजधानी दिल्ली और उसके निवासियों को प्रदूषण से बचाने की कवायद में दिल्ली सरकार विभिन्न उपायों को अपना रही है, जिसके तहत कई तरह की सख्तियां भी लागू की जा रही है ताकि बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से आज पूर्व घोषित अभियान रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ की शुरुआत की गई है। पर्यावरण मंत्रालय की पहल पर पहले ITU चौराहे से इस अभियान की शुरुआत की गई है, जिसे चरणबद्ध तरीके से दिल्ली के सभी व्यस्त रेड लाइट पर चलाया जाएगा। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इस बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि इस बार यह अभियान जनता की भागीदारी से चलाया जाएगा, जिसकी शुरुआत आज ITU चौराहे से की गई है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि 28 को बारा खम्बा और 30 अक्टूबर को चंद्रीगाम अखाड़ा चौराहा और 2 नवंबर को सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में इसे चलाया जाएगा। इस अभियान को स्थानीय विधायक पार्षद RWA इको क्लब और पर्यावरण मित्र के सदस्यों की सहायता से चलाया जा रहा है और लोगों को रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान के प्रति जागरूक बनाया जा रहा है ताकि यह अभियान सफल हो सके। और क्या कुछ कहा आगे सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। तो कई जगह से मैंने मीडिया रिपोर्ट देखी है, लोगों में तो जागरूकता है, कई सारे लोग हैं जो गाड़ियां पर आज लाइट ऑन गाड़ियां आप कैंपेन का दूसरा दिन है। 30 तारीख को जिंदगी नाम अखाड़े पर होगा, 2 तारीख को पूरे दिल्ली में ये कैंपेन सभी विधानसभा क्षेत्रों में होगा और 3 तारीख को 2000 इको क्लब्स इस कैंपेन को लेकर के स्कूलों में जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये कैंपेन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है और दिल्ली के लोगों में जागरूकता भी बढ़ रही है, जिसका परिणाम है कि अभी पिछले अगर इस पूरे महीने में देखें तो केवल एक दिन पूरे दिल्ली का जो AQI है वो 300 से पार गया था। तो ये दिल्ली के लोग जिस तरह से सभी लोग मिल करके सहयोग करते रहे, उसी तरह से अगर सहयोग करते हैं, खासतौर से इस समय व्हीकल प्रदूषण ज़्यादा बढ़ रहा है, बायोमास बर्निंग का प्रदूषण बढ़ रहा है, तो ऐसे समय में अगर गाड़ियों का इंजन सभी लोग रेड लाइट पर बंद करते हैं तो निश्चित रूप से इसका असर पड़ेगा। NBC News के लिए नई दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।